तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि भाई सिवा वाईटी वाला जो फाइट हुई थी, जो तुम्हारे टीम में यूट्यूबर आए थे तीन लोग, उनकी फाइट दिखाओ, तो ये वही वीडियो है जिसमें तीन यूट्यूबर एक साथ आए थे। वो लोग एक टीम में थे और मैं और हमारी टीम एक साथ थी। तो खैर गाइस, मैं आप लोग को ये चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मेरा कोई ऐसा टीममेट नहीं है जो मुझे ये कहेगा ले क्रश तू किल मार ले, ले क्रश ये तू बोट मार ले, क्रश सामने बंदा है तू किल कर ले, ऐसे मेरे कोई टीममेट नहीं है भाई। एक दो बोट मिलते भी ना, वो लोग गंदे तरीके से उस बोट को किल कर देते हैं और मेरे हाथ में कुछ नहीं आता। जो मेरे किल निकलते हैं ना, वो जेनुइन मेरे होते हैं, मैं उसे अपने तरीके से निकाला होता हूँ। चाहे मेरी किल चोरी होती है या फिर मेरी स्मार्टनेस या मेरी फाइट जो भी होता है ना, वो सारा मेरा तरीका होता है। मेरे टीममेट मेरी एक भी हेल्प नहीं करते हैं किल के लिए। तो गाइज, मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि ये जगह बिल्कुल सेफ है लैंडिंग के लिए, और जैसे मैं यहाँ लैंड करता हूँ मेरे हाथ में लग जाती है, मतलब बंदे के हाथ में लग जाती है डीपी और मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं यहाँ मर जाता हूँ। खैर गाइस, मैं 4 घंटे से लगातार गेम खेल रहा था, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यार कभी कभी हो जाता है गलत लैंडिंग वगैरह, तो उसमें मर जाते हैं। खैर अब आप एक बार फोकस करो, राउडी वाईटी, सिवा वाईटी, पता नहीं कौन कौन से वाईटी इस गेम में आए थे ना, मतलब क्या बताऊँ। एक बार किल फिर तो देख लो आप। अब मेरी किस्मत इतनी टट्टी थी, वहाँ से मैंने जहाँ मैं आइलैंड पे उतरा था वहाँ तो मेरी हो गई थी अच्छे से कुटाई, तो मुझे BGMI वालों ने यहाँ उठा के फेंक दिया। मैं धीरे धीरे यहाँ पर जाता हूँ कि अपनी लूटपाट करूँगा, तभी मेरे टीममेट वगैरह आ जाएंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन तब भी मेरा एक और टीममेट नॉक हो जाता है, वो भी आ जाता है मुझे कंपनी देने के लिए यहाँ पर। तो मैं लूटपाट करके अपना अच्छे से फुल हो जाता हूँ कि आएंगे टीममेट, फिर उनके साथ में जाऊँगा फाइट लेने कहीं पर। अब देखो यहाँ पर एक बंदा ऊपर आ जाता है, ये मतलब गलत सीन होता है। जो बंदे रिकॉल होकर आते हैं ना, वो साले यहाँ ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, उनको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर मूली किया जा रहा हूँ, ग्रेनेड किया जा रहा हूँ, बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, वो बंदा कहाँ है मुझे खुद नहीं पता। तो खैर लेकिन है तो ऊपर, ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि देखो फायर वगैरह आ रहा है। तो इस उससे मारने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, मूली देख रहे हो ना पूरी ऊपर तक फैली है, लेकिन पता नहीं कैसे बच जाता है। फिलहाल मैं पीछे जाता हूँ, जितना ऐसे सिचुएशन यही होती है कि ऐसे बंदों को मारने के लिए आप जितना पीछे जा सको उसको एम रखते हुए जाओ, ताकि वो आपको नॉक ना कर पाए, क्योंकि अगर वो नॉक किया ना तो आपको फिनिश भी कर देगा। अब यहाँ से मुझे उसका एम मिल जाता है, मैं उसे ईजी वे में मार देता हूँ और हो जाता है फिनिश। लेकिन अब यहाँ होता है मेरे साथ गलत सीन, मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ तभी पीछे आ जाती है गाड़ी और मुझे रुकना पड़ जाता है। और बंदा इतना हरामी था, मतलब हरामी का यार, मैंने ही आग दिया। मैंने जैसा बोला कि 4 घंटे से मैं लगातार गेमिंग कर रहा हूँ यार, कुछ तो फ़ोन पे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ तो मेरी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, मैं कितना अच्छा खेल लूँगा कितनी गेम में। तो हो जाता है कभी कभी। अब देखो मैं यहाँ फिर से चल बसूंगा क्योंकि मेरी किस्मत है ख़राब। अब देखो बंदे ने ना फ्री फायर दिया, मैं उसकी फ्री फायर में फालतू में जाके पिला गया, मेरी गलती थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था फ्री फायर देते हुए, हम बाहर जाना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं दिया। और यहाँ मेरे किल नहीं निकल रहे थे, उधर अपोनेंट में सिवा वाईटी की टीम को देखा जाए तो भाई किल फील्ड चमका ही रहे थे, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मैं बस उनकी किल फील्ड देखे जा रहा था, भैया क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ से अपने टीम मेटों से बोलता हूँ, भैया प्लीज़ चले जाओ यार, प्रभु हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे, लेकिन ये लोग नहीं जाते। इतने में मेरा एक टीममेट जाता है रिवेंज लेने के लिए, तब तक उसकी पीछे से हो जाती है धुलाई। अब पीछे से इसकी धुलाई हो जाती है तो मैं कहता हूँ भाई अब 2 बजे हो यार, प्लीज चले जाओ, क्योंकि यार रैंडम टीममेट रहते हैं वो दो। वो जो मेरा Crash G4 नंबर है, ये मेरी दूसरी आईडी से दूसरा भाई खेल रहा है, तो मतलब यार मैं उससे बोलता हूँ कि रिवाइव देने के लिए, तो ये लोग रैंडम है ना, ये लोग नहीं जा रहे हैं यार रैंडम, पता नहीं मतलब ऐसे होते हैं उनके बिहेवियर में, पता नहीं क्या होता है। कितनों भी रिक्वेस्ट करो, और यहाँ पर ये बंदा जो मुझे इस बंदे को नॉक दिया ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बीच में दीवार थी, शायद हो सकता है एक्सपेक्टेड का ग्लिच रहा हो। तो ये सीन होता है, मैं यहाँ बोलता हूँ भाई चले जाओ चले जाओ, वहाँ पर मेरा खुद जो टीममेट था वो फिनिश हो चुका था। अब बड़ी मुश्किल में जान पड़ी थी, मैं इनसे कितना रिक्वेस्ट करूँ यार, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था जाने की, लेकिन ये भाई साहब यहाँ पर पीक पाक करके उसे फायर दिए जा रहे थे और ये हो गए नॉक। अब तो हम लोगों की आफत में ये आ गई जान के, भैया अब तो हमारी ज़िंदगी हो गई ख़त्म, क्योंकि यार सिवा वाईटी से लड़ना था, फाइट लेनी थी इन लोगों की टीम से। और देखो भाई साहब कैसे रिवाइव कैसे दे रहा है, पूरा ओपन से बंदा ईजिली इसे मार सकता था, और इतने में वो बंदा आ भी गया। अब देखो यहाँ ने भाई तो इतना अच्छा काम किया कि इसे मार दिया, और वो बंदा भी बचा जिसने मुझे मारा था ना, वो बंदा बचा हुआ था। खैर ये बंदा मुझे नहीं पता कैसा खेलता था, मुझसे अगर फाइट होती तो मैं इसे मार पाता कि नहीं मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, बट भाई ने यहाँ उसको मार दिया। अब मैं भाई से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया प्लीज़ हाथ पैर जोड़ के, भैया प्लीज़ चले जाओ प्रभु दीनानाथ, और जाकर हम लोगों को रिवाइव कर दो। तो खैर इतना सुनने के बाद टीममेट को दिमाग में थोड़ा सा दया आ जाती है और वो जाता है रिवाइव देने के लिए। अब
यहाँ पर भैया लोग हील उल करके हमें रिवाइव के लिए निकलते हैं, और वहाँ से हम सॉरी रिवाइव नहीं रिकॉल, मतलब वही हुआ यार, जो भी बोल दो हमारे लिए तो एक ही चलता रहता है ना, कौन सी बहुत यहाँ हमें अंग्रेजी बोलनी है या फिर नहीं एकदम करेक्ट बोलना है, मार्क्स मिलने हैं। तो मैं वहाँ से रिकॉल होकर आ जाता हूँ कि मैं आज हेली चैप्टर उड़ाऊँगा, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा अपडेट आया था तो इसका भी मज़ा लेना था कि भैया कैसा चलता है, क्या सीन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट का बटन था उसको हटाकर यहाँ पर सिंपल, जैसे हम कोई भी बाइक वगैरह चलाते हैं ना वैसे दे दिए गए, इस वजह से इसको चलाना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, अभी लड़ने वड़ने वाली नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देख लो इस कितना स्मूथ, मतलब ना इसको और हाइट तो जा ही रही है लेकिन इसकी स्मूथ और चलाने के लिए ना बहुत कम्फर्टेबल कर दिया गया है, ताकि इसको भी लोग एज ए व्हीकल यूज करें। तो यहाँ मैं जैसे जाता हूँ ना, मुझे एक बंदा दिखता है और भाई साहब जीरो किल थे मेरे, मतलब एक किल थे वहाँ पे किया था, और मैं इसे एक किल करके अपनी आत्मा को बहुत संतुष्ट मानता हूँ, भैया चलो कुछ तो किल हुए। लेकिन अब यहाँ से जो ओरिजिनल वीडियो चालू होने वाली है ना, यहाँ से जो वीडियो चलेगी ना भाई साहब का तही बवाल। अब पीछे हम लोगों की लूट भी हो गई थी, तो अब हम जोन में जाना था क्योंकि सर्कल हम लोगों के पीछे आ रहा था, मिलिट्री पे जोन बना था। अभी देखो सामने आती गाड़ी, भाई बवाल, यहाँ तो मैं इनको नॉक नहीं दे पाता हूँ क्योंकि पीछे सूरज था, वो देगा उनको फिनिस। अब यहाँ पर ये दोनों बंदे मैं मार देता हूँ और वो आगे सूरज दोनों को मार देता है, चारों फिनिश हो जाते हैं। अभी देख के तो लगता है कि मुझे यार यहाँ के बंदे फिनिश हो गए हैं, अब हम लोगों को चलना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से मुझे साउंड की आवाज़ आती है, और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब यार इतने बंदे, मतलब 20 बंदे बचे हैं, इसमें देखना भी मैं कितने किल निकालने वाला हूँ। पीछे से जो बाइक गाड़ी आएगी ना, एक किल पता नहीं कैसे सूरज ढाप देता है, जबकि मुझे मैं उसे बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ। एक बार आप देखना ध्यान से, नोटिस करना क्या सीन होता है। अब यहाँ से मुझे जैसे ही गाड़ी का साउंड आया, मैं स्कोप स्कोप सेट करके बैठा कि भैया इनको कूटना है। अब देखो सामने आई गाड़ी, खैर डैमेज तो था बंदा, पता नहीं कैसे मरा नहीं। यहाँ पर एक किल मैंने ढाप दिया और एक किल सूरज ने। अब यहाँ पे मैं हील उल कर लेता हूँ कि अब हम लोगों को निकलना चाहिए, मुझे लगा सारे किल फिनिश हो गए, लेकिन तभी फिर से बग्गी की मुझे साउंड आती है। मतलब यार हद थी, इतने बंदे जब ऐसे होते ही ना लॉबी में कि बंदे आए जा रहे, आ जाए मज़ा आ जाता है। अब देखो इनको मैं कैसे मारता हूँ, यहाँ पर शायद मैंने एक मारा ना, मेरे किल बनने चाहिए कितने बड़े, 7, मैंने दोनों को नॉक कर दिया था, इजी वे में दोनों नॉक हो गए थे, या तो फिर एक बंदा बग्गी से कूद के नॉक हो गया था, आई थिंक, मुझे नहीं पता, क्योंकि यार थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि स्प्रे में थोड़ी सी मेरी गड़बड़ी थी, यही बंदा नॉक हो पाया, एक डैमेज हुआ और उससे नॉक हो गया। अब पीछे से कुछ बंदे फायर दे रहे थे, लेकिन हमें फ़ाइट नहीं लेनी थी क्योंकि जोन में जाना था, और मेन जो था वो सेवा की टीम से फ़ाइट लेना था हमारा मोटू। तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं था, हम लोग जोन में मारे जाते, इसलिए मैं एक कारपेट उठाता हूँ और यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता हूँ। टीम मेट को बोलता हूँ आ जा साथ में चलते हैं, तो वो आ जाता है और हम लोग एक साथ बैठ के यहाँ से निकल देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जोन में जाकर ना ब्रिज के उस साइड कैंप करते हैं कि शायद ये लोग बंदे आएंगे, हम इनको मारेंगे, लेकिन इनके पास भी होता है कारपेट, तो वो लोग पीछे चले जाते हैं। तो अब देखो हम लोग उन्हें कैसे मारते हैं। यार ये जो रैंडम आए थे ना, इनसे यार किल करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि रैंडम ना जहाँ पा रहे थे वहाँ ढाप दे रहे थे और हम लोग पीछे रह जा रहे थे। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने एक बंदे को देखा ना, मैं पहुँचा कि अब यार एक किल तो मुझे मिलना चाहिए, और मैं यहाँ जाके ना इजी एक किल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सारे किल हो गए थे कंप्लीट और बंदे कोई नहीं बचे थे, सारे बंदे मिलिट्री बेस में थे, जो सिवा वाईटी की टीम है ना उनके पास सारे बंदे बचे थे। तो हम लोग पहुँच जाते हैं मिलिट्री बेस, यहाँ पर मुझे सूरज कॉल देता है नीचे बंदा है, और शायद मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक कर दिया, तो मैं यहाँ से एक मूली मार देता हूँ कि वो बंदा फिनिश हो जाए। और जैसे ही मैं मूली मारता हूँ यहाँ नीचे ना, तो मुझे फिर पता चलता है ऊपर दिख जाता है सिवा। अब देखो मैं उस पर स्प्रे देता हूँ, खैर वो बच जाता है, मुझे वहाँ दिखता है ये बंदा वही है सिवा वाईटी। खैर मैं स्प्रे तो दिया बट वो अच्छा खासा जिगल दे के निकल गया। अब इनके दो बंदे मर चुके थे, दो ही बचे थे, मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ ना, देखो अभी मुझे सिवा वाईटी दिखेगा, ये था, यही है सिवा वाईटी। खैर यहाँ से बच गया, लेकिन यहाँ से नहीं बचेगा क्योंकि मैंने इसको देख लिया था, और इजी वे में हो जाता है हमारा चिकन डिनर। यही थी हमारी फाइट, मैं यहाँ पर टोटल 10 किल किया था, अगर टीम का सपोर्ट रहता ना तो मैं यहाँ से 15-20 किल इजी कर लेता। खैर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।